हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो से गुप्ता में आप सभी का स्वागत है। तो मॉर्निंग का टाइम हो चुका है और यहाँ पे मैं आ गई किचन में। किचन में आने के बाद बना रही हूँ नाश्ता। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम बना रहे हैं नाश्ते। यहाँ पे बनाया है आटा गूंथ रही है और मधु बहुत बर्तन है सारे वो क्लीन कर रही हैं और हम तीनों जल मिल के जल्दी जल्दी बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। सारे बर्तन क्लीन कर दिए और नजर की सरिया आने लगी। यहाँ पे सब्जी मेरा रेडी हो चुका है और ये सेवई भी रेडी हो चुकी है। बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी है तो बच्चे भी आज स्कूल आहिल नहीं गया है क्योंकि आहिल का रात में कल बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। खांसी बहुत हो गया था, उल्टी भी बहुत हो रहा था और देखिए आज इतनी धूप है इधर देखा नहीं जा रहा है बिल्कुल। मेरा देखिए फेस भी नहीं आ रहा है धूप की वजह से। और देखिए बहुत गर्मी है, अभी थोड़ी सी किचन में जाने के बाद तो हालत ख़राब हो जा रहा है और बहुत गर्मी लग रहा है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं आहिल को देखते हैं क्या करते हैं। और आज स्कूल नहीं गया है, देखते हैं आहिल बैठा हुआ है दोनों तबियत ठीक नहीं है दोनों। आहिल क्या कर रहे हैं? छोड़ो, ये देखिए मेरा दुपट्टा खींच रहा है। छोड़ो बेटा दुपट्टा छोड़ो। उसके बाद हम क्या करते हैं देखते हैं। तब तक देखते रहिए और वीडियो को जल्द से जल्द लाइक और कमेंट करते रहिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम जो है सेवई भुजिया भरने पहले मैं रेडी हो चुका है। और देखिए सेवई बहुत ही टेस्टी बना हुआ है यार। ये देखिए अभी खाने में बहुत मज़ा आएगा। लेकिन अभी तो हम जा रहे हैं रोटी बनाने। और एक साइड चूल्हा खाली था तो हम यहाँ पे दाल चढ़ा दे रहे हैं। आप लोगों ने देखा हमने कुकर में दाल चढ़ा दिया है लंच के लिए। बहुत गर्मी है, गर्मी में जितना जल्दी बना कर फ्री हो जाए उतना ही सही होता है। सब लोग बाहर बैठ के गप्पे कर रहे हैं। इसमें पहले नमक डाल देंगे। हम ना ज़्यादा इस ढक्कन का ही यूज़ करते हैं। स्पून से थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज होता है कितना डालूँ फिर उसे मिक्स करूँ। इससे मेरी आदत लग रही है। सोच रहे होंगे कि इस तरीके से क्यों ऐड डालती हूँ, ऐसे डालने का मेरी आदत हो गया है। मैंने दाल में हल्दी और नमक डाला है, सिर्फ प्लेन दाल ही ज़्यादातर बनाते हैं तो अच्छी जो है मीठा पाते हैं इसी की वजह से। उसके बाद हम और आहिल आज स्कूल नहीं गया, कल भी नहीं गया था क्योंकि हमारे यहाँ कल नरेंद्र मोदी जी आए हुए थे तो हमारे देश के पीएम तो उसी के बीच में सारे स्कूल जो था ना बंद था। काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, इसी वजह से बच्चे का स्कूल बस गाड़ी जाना थोड़ा सा सेफ नहीं था तो सारे स्कूल बंद हो चुका था। और आज उसका तबीयत भी ठीक नहीं था और सैटरडे को उसका एग्ज़ाम है। समझ में नहीं आ रहा है यार कि क्या करें हम उसको। उसके पापा भी बहुत बोल रहे हैं एग्ज़ाम है उसको घर पर तैयारी करवाओ ये करवाओ। कोशिश तो करती ही हूँ करने के लिए लेकिन देखते हैं। तो मैं जाती हूँ रोटी बना लेती हूँ क्योंकि लगता हमको लग रहा है पोछा लगा रही है और भाभी आसरा को जग गई है तो कुछ खिला रही है तो बनाती ठीक है। देख सकते हैं कि यहाँ पे आ गई है मेरी दीवानी की और रोटी बनाने लगी और यहाँ पे हम चढ़ाने लगे हैं बेटी लंच का क्योंकि बहुत गर्मी है। दाल चावल प्लेट से थोड़ा बनेगा और गर्मी है ज़्यादा है मन नहीं कर रहा है कुछ करने का। बेटे के लिए हम प्याज लगे और यहाँ पर हमें दाल चढ़ा दी और चावल जो है थोड़ा सा लेट से बनेगा। और नाश्ता जैसे देखते हैं यहाँ पर पोछा लगा रही है और सभी लोग बाहर बैठे हुए हैं। नाश्ता भी कुछ कुछ लोग कर रहे हैं। सब्जी हो जाएगा तो फिर हम लोग दो तावे चढ़ा देंगे और दोनों से जल्दी जल्दी बना के फिर हो जाएंगे। रोटी देना
तो नहीं हो गया, रंजीत जी नहीं लेंगे चूल्हा बंद हो गया है वो ना कम करने के बाद ना उसके गैस फ्लेम कम हो जा रहा है। देखते रहिएगा बाबू को जाकर उठ जाएगी तो उधर आज की तरह खिलाते रहेगी पता भी नहीं चलेगा। तो लाही इतना ना रो रहा था नीचे आ गए थे उसके बाद तो पूरा उसका तबीयत खराब हो गया। अच्छा यहाँ पे है एक बार देख कर आ जाइए। बच्चा है अभी आदमी को थोड़ा सोचता है छोड़ो कोई बात नहीं इसी वजह से ज़्यादा हम लोग इनको सोचते हैं चलो भी बच्चा है ज़्यादा नहीं कर पाती है अभी। भाभी को देखिए सही है सही है तो ठीक है नहीं तो बच्चे जब होते हैं तो शांति नहीं होते। फिर आपको दिखाते हैं उसके बाद क्या करते हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए उसके बाद आपको बताते हैं कि हम क्या करते हैं। फिर आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यार और नाश्ता हम रोटी बना रही है और नाश्ता को देखिए अंगड़ाई ले रही है सच में। अब जा रहे हैं नाश्ता अम्मा को दे दिए हैं और अप्पा को नाश्ता देने तो नाश्ता नहीं कर अप्पा के लिए तो हमने अप्पा के लिए पहले से ही सेवई निकाल दिए थे और उसमें हम डालेंगे भुजिया जो बनाए थे और हम देने जा रहे हैं। देख के आते हैं तो आपसे मिलते हैं। तो नाश्ता को देखिए यहाँ पे हम नाश्ता देने आए हैं उसके बाद गीत गा रही है गाते नाश्ता गाओ ना देख लीजिए शेरा को जरूर याद रखिएगा इस शेरा खा लिए खाई है देखिए कितना खा के आ रही है। मटन खाए हैं मटन को सब्जी खाए हैं रोटी खाए हैं सेवई खाए हैं खा लिए अकेले अकेले चलो ब्रश करो। हाँ बना रहे हैं तो ये देखिए अपा को चाय हम चढ़ा दिए हैं कि नाश्ते के बाद यहाँ पे मॉर्निंग में सब लोग चाय नहीं पीते भाभी पीती है हम कभी कभी ले लेते हैं थोड़ा से भी हम थोड़ा आजकल नहीं पी रहे हैं ठंड का मौसम होता तो पी लेते हैं। और नाश्ता के बाद चाहिए सब कुछ है यहाँ पे हम देख रहे हैं नाश्ता हो गया है तो नाश्ता के बाद हमने चाय चढ़ा दिया यहाँ पे और चाय जो मेरा लगभग बन चुका है और इसमें हम डालेंगे शुगर फ्री क्योंकि अब्बा जी को शुगर है तो वो नहीं पीते हैं चीनी वाला। और ये नाश्ता को देखिए कितना खुश है कि आज मेरा सारा काम हो गया हमने ना नाश्ता आज सारा टाइम से काम हो गया सच में। अब सिर्फ चावल बनने को है उसके बाद अब हम जा रहे हैं ब्रश करने ब्रश करके नाश्ता करेंगे नाश्ता करने के बाद जाएंगे ऊपर क्योंकि पहले नहाने का मन तो करता है लेकिन अब मैं थक गई हूँ हम लोग सोचे नाश्ता करके ही आराम से नहा के थोड़ा सा आराम करेंगे फिर आए लोग का होमवर्क भी करवाना है तो कहाँ से आराम यार। तो चलिए देखते रहिए मेरे ब्लॉग को और बाजी को देखिए कैसे कैसे कमेंट करिए बाजी के लिए ज़रूर कमेंट कीजिएगा ठीक है। ये देखिए आए लम्बू किचन में ही बंद कर दिया है ऐसे ही नाश्ता गाना गा रही थी ऐसे ही टुक 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 निहारत तारा हम भोजपुरी गाना नाता नहीं है वो कैसे वो गाना जो चला नहीं है बहुत सारे ये भोजपुरी में कौन से गाना है नाश्ता बता ना हमको तो खुद नहीं आ रहा है देखो तो नहीं ऐसे टुक टुक तू देख तारा आई खुशी आ गया है और क्या क्या बोलते रहती है देखिए हम किचन में ही बंद कर दिया है और हम कैसे जाएंगे इससे खिड़की से चिल्लाते आहिन खोलो आहिन आहिन नहीं खोल रहा गुस्सा गया उसमें तो क्या मम्मी बोलती रहती है हम लोग कुछ दिन नहीं आता है यार भोजपुरी गाना गाने सुनते तो है ही नहीं तो गाएंगे कहाँ से। आजकल शॉर्ट वीडियो में ये ना बहुत ज़्यादा ये चल रहा है तो इसी वजह से और लगभग सारे काम हो चुके हैं थोड़ा सा ये बंदा को भी बचा हुआ है यार
बस नजर बोले तो चढ़ा दो, चढ़ा रही है देखिए कुछ नहीं सिंपल सा एकदम परहेजी आदमी के लिए खाना है। खाली प्याज डाल करके इसमें डाल देगी और मसाले डाल देगी। पानी बोलो नाहिर, गर्मी लग रहा है मम्मी को। आहिर खोलो, अब नहीं बोलेंगे सॉरी। अब किसको बुलाए बाजी? ओए भाई साहब खोल दे गेट। भाई साहब खोल दीजिए, अब नहीं बोलेंगे। देखिए भाई साहब इधर आए हुए, देखिए आहिर भाई साहब ऊपर आ चुके हैं, वो हम जा रहे हैं नहाने। और ये देखिए मायरा को, जो हम आहिल को धीरे से टच करेंगे ना तो उसको लगता है ना कि हम मायरा को आहिल को मार रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाती है। देखिए कैसे चिल्लाएगी, हम डांट रहे हैं तो कैसे चिल्ला रहा है वो। तुम क्यों चिल्ला रहे हो? तुमको भी मारेंगे, तुमको भी बहुत मारेंगे। तुमको कौन बचेगा? कौन बचेगा तुम? कौन बचेगा? कौन बचेगा? कौन बचेगा? बोलो बोलो बोलो। मारते नहीं है, प्यार करते हैं। कहे रोता है बाबू ना, दुखी है मेरा मायरा। मायरा देखो इधर, देखो कैमरा के पास, देखो इधर, देखो देखो देखो। आप बुलाइए बुलाइए। बहुत अच्छा है मेरा मायरा, बहुत क्यूट है, बहुत समझदार है, आहिल से बहुत ज़्यादा ही प्यार करती है। देखिए इतना आराम से इसको सहला रहे हैं और एकदम आराम से बैठ गई। जा सो जा, जा सो जा, जा सो। आ जाओ और राहिल को देखिए वहाँ से देख रहा है। जा सो जा, राहिल को देखिए कोई तो बोल रहा है। राहिल अपना दवा लेके आ गया है। आई जो नहीं ज़्यादा नहीं चिढ़ाते हैं, चिढ़ा जाएगा मालूम चलेगा हमें पे चिल्लाने लगेगा तो। आहिल ना हमको डांट सुनवाता है खाली मायरा से, बहुत तेज है। आगे मेरे भाई, मैं ऊपर से सुन जाऊं। देखो आराम से जा। देखिए ये देखिए, सुबह को हम सारे रूम को क्लीन करके गए हैं और ये वाले बेडशीट को लगा दिया था ताकि आने के बाद मुझे थोड़ी सी राहत मिले। तो आहिल का रात में तबीयत खराब हो गया तो उल्टी वगैरह कर दिया। तो आहिल रात में क्या हो जाता है? देखिए इसमें अभी पिलो कवर नहीं लगाए हैं, इसमें से बेडशीट बिछाए हैं। ये वाली कैसी लग रही है आप लोग को ज़रूर बताइए। अब हम चलते नहाने। देखिए आपको फेस देख के लग रहा है ना। ये मेरे बेटा को देखिए किस दीजिए। तो आहिल को हम जा रहे आई ड्रॉप डालने। कहाँ रखे बेटा? देखिए आई टोन आई ड्रॉप है तो इसको लगाएंगे। और ये 5 ml खाने के लिए भी दिया हुआ है रेमसी में LM। तो ठीक है इसको हम खिलाएंगे नहीं क्योंकि ज़्यादा वीडियो नहीं है, सिर्फ आँख में ड्रॉप डाल देते हैं क्योंकि रात में पूरा सट गया था। उसके बाद हम फ्रेश होने जा रहे हैं। उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। डॉक्टर क्या बोला, क्या क्या अच्छी लिखा है वहाँ पे? बोले हैं ना डॉक्टर अंकल कि ना आहिल को दे दीजिएगा क्योंकि उसको आँख में प्रॉब्लम है, जैसे आपको दर्द हो रहा था ना रात को। हाँ बोल रहा हूँ ना। बट आप लेटो, इसके लेटो हम डालें। ये बोले हैं चलिए दिखाते हैं। एवरीवन तो ये देखिए आप लोग, हम नहा लिए और नहा के फ्रेश हो गए और बहुत ही गर्मी हो रहा है। ये देखिए आहिल को दिखा दो बेटा क्या चला रहे हैं, पूरा जम कर करके कर करके देखो, दिखाइए चला कर दिखाइए। ये इसका कार है, दिखाओ देखो मैं दिखाओ। देखो ये देखिए बैक घूम रहा है ना, पीछे की ओर जा रहा है। और आहिल को आज हम नहीं नहवा है क्योंकि मेरे बच्चा का तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हम नहीं नहवा। आ जा आ जा मामा के पास आ जाओ। अभी इसको थोड़ा सा ये तेल रात में लगाई थी तो मेरे बच्चा का तबीयत खराब हो गया था रात को इसी वजह से। देखे इधर देखे फेस दिखा, अभी दवा खिलाना है खांसी का। देखे खांसी भी हो गया है और रात में इतना ना खांसते खांसते उल्टी किया मेरे, हमको तो समझ में नहीं आ रहा था। हमको लगा कि अभी ही निकलना पड़ेगा क्या डॉक्टर के पास, लेकिन दवा था मेरे पास उल्टी और खांसी का तो हमने दिया उसे। तो थोड़ा सा आराम हुआ फिर वो सोया।
तो गाइस यहाँ पे नहा कर हम थोड़ी सी क्रीम लगा लेते हैं, उसके बाद थोड़ी सी नानी के बहुत ही अच्छा लगता है यार, कुछ भी करने का मन नहीं करता है ना। छोड़ो बिंदी लगा लेती हूँ बस। कैसी लग रही है? मैं फ्रेश फ्रेश लग रही हूँ ना, बताओ ना यार प्लीज। ये देखिए आयन का बैग कल धो दिए थे, ये आयन का बैग जो है एकदम टेंड है ना, चुका गया है। और ये देखिए आयन किस तरीके से पूरे पेट पे खेल रहा है। कवर लगाना है मुझे, एक काम करो तो एक नज़र आ जाते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखो इधर लाइट्स बहुत सारे आ रहे हैं, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बिंदी लगा कर कैसी लग रही है, ठीक है। तो ये देखो आप लोग मेरी बिंदी ब्लैक, मुझे ब्लैक कलर का बिंदी और कत्थी कलर का बहुत अच्छा लगता है। मैरून कलर जो होता है वो कलर बहुत अच्छा लगता है। हो गया रुक जा रुक जा, देखिएगा गिरेगा नहीं, देखना चोट नहीं लगी सर में, गिर गया था तो देखो सर में चोट लगेगा। उसके बाद थोड़ा सा हम बैठेंगे, आप लोगों से बातें करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे। आओ 1:30 बज गया है यार, नाहल को खाना खिलाएंगे, आ जा बेटा। बाल थोड़ा सूख जाए तो झाड़ने में सही होता है ना। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी लेट गए हैं और अब लग रहा है मुझे नींद, ऐसे लग रहा है नहा ली तो फ्रेश फ्रेश लग रहा है, ठंड ठंड पानी पीला पानी पियेंगे दे रहे वाइल को प्यास लग गई है। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? अपने बच्चे को यार प्लीज़ घर में रखिए, उसे बाहर नहीं जाने दीजिए, क्योंकि बहुत लू चल रही है और लू के साथ साथ ये भी एक प्रॉब्लम आ चुका है बच्चों में, जो आँख का ये होना, लाल होना और आँख से ये सब कचरे निकलना। और आहिल का तो आँख बिल्कुल सट गया था सुबह को, मतलब देख नहीं पा रहा था। हमने इसको स्कूल भी नहीं भेजा इसलिए, क्योंकि इसे बहुत ये पेन भी हो रहा था, पूरे रेड रेड आँख हो गया था, ऐसे खोल रहा था ना तो पूरे रेड दिख रहा था। लेकिन उसे हमने दवा भी डाल दिया है। अभी कैसा लग रहा है बाबू? अच्छा लग रहा है, अभी उसे थोड़ा सा फील हो रहा होगा बेटा, क्योंकि हमको भी हो जाता है, हम नहा कर जब आते हैं ना तो अब मेरा आइज जो है ना देख लेते हैं ये कोने साइड में यहाँ पे लाल हो जाता है। तो और बताइए आप लोग क्या कर रहे हैं? हमारे वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है हमें ज़रूर बताइए। अभी तो हम कहीं गर्मी का सीज़न है, कहीं भी जा नहीं पा रहे हैं, नहीं कुछ दिखा पा रहे हैं। हम अपना डेली का ब्लॉग जो अपन करते हैं अपने घरों में आप लोगों से शेयर कर रहे हैं, हाँ दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए आयन क्या दिखा रहे हैं, चल रहा देखो ना, देखिए ठीक है दिखाइए। तो और बताइए आप बालों में कौन सा मेहंदी लगाते हैं? देखो वाओ कैसे है ही। तो अभी क्योंकि अभी से ये क्या वो ढका हुआ है, उसको पी लीजिए, पानी पी लीजिए, वो ढका हुआ है ग्लास में। प्यास लग रही थी, पीने के लिए पानी, बैठ के पीजिए, बैठ के पानी पीते हैं। बच्चे को जैसे आप आदत डालो, जैसे सिखाओ वैसे ही बच्चे हो जाते हैं। तो आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती है हमें ज़रूर कमेंट कीजिए गाइस। आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, मैं अब थोड़ी सी जा रही हूँ सोने, सोने के बाद क्या करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी आपको। और प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, जो लोग हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है फिर, बाय बाय, लव यू। Hehehe